नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। आज हम बात करेंगे भाई फ्लाइट से रिलेटेड। मैंने कल एक वीडियो डाला था, प्राइवेट फ्लाइटों का फंडा क्या है, जिसको चार्जेट फ्लाइट बोलते हैं, ये समझ में नहीं आया भाई मुझे। तो इससे रिलेटेड हम बात करेंगे पूरी डिटेल के साथ में। इसका लोगों का रिस्पॉन्स आया है और ये बातें का मुझे थोड़ा सा पहले से भी पता था, आप लोगों के साथ ये बातें शेयर करनी जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले चाहूँगा, वीडियो पहली बार देख रहे हैं भाई चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, और अगर फेसबुक देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लें, ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहे। तो भाई देखिए, हम बात करेंगे फ्लाइट से रिलेटेड। साथियों आपको पता है पेज 3 स्टार्ट कर दिया है, 300 कल की मैंने बताया था 356 फ्लाइटों का शेड्यूल है, क्योंकि मेरे पास जो लिस्ट थी उसमें 356 फ्लाइटें थी, 325 फ्लाइटें हैं, बता दूं आपको 50-60 कंट्रियों के लिए हैं भाई। तो आपकी स्थिति है कि कैसे कैसे नंबर आएगा आप समझ लीजिए। इसका मैंने डिटेल वीडियो एक और वीडियो बनाया भैया, वो देख लीजिए, लगभग 10-11 मिनट का है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर नहीं देखा तो। आज हम बात कर रहे हैं चार्टेड फ्लाइट का फंडा क्या है। मेरे पास काफ़ी सारे मैसेज आ रहे हैं, वीडियो आ रहे हैं, लोग टिकटॉक पे बना के छोड़ रहे हैं एक मिनट का वीडियो। अभी भी एक वीडियो आया है, राजस्थानी है शायद, वो उनकी ऑफिस है कोई दुबई में, उन्होंने बोला है चार्टेड फ्लाइट यानी प्राइवेट फ्लाइट इंडिया जाने के लिए हमसे कॉन्टेक्ट करें, हम ग्रुप फ्लाइट इंडिया लेके जा रहे हैं। और भी मेरे पास मस्कत से भी आया, मेरे पास दुबई से आया, मेरे पास इराक से भी आया, ठीक है, मेरे पास कुवैत से भी, बहुत सारी कंट्रियों से आए मैसेज। वो काफ़ी लोगों ने बोला देखिए देखिए शेड्यूल भी भेजे, ये देखिए सर चार्जेड फ्लाइट है, स्क्रीनशॉट भी भेजे अलखलीज जो दुबई का अखबार है उनका, और भी सोशल मीडिया के जो लिंक है मुझे शेयर किए काफ़ी सारे लोगों ने, बोला सर ये देखिए। लेकिन उन बातों में मैंने कॉमन बात देखी, जो अखबार में जो न्यूज़ थी उसको हम जेन्युइन मानते हैं, अखबार वाली अलखलीज दुबई की, उनमें साफ साफ लिखा था कि कोई कंपनी है, उसका नाम गोल्ड पता ऐसा कुछ नाम है उस कंपनी के, वो कंपनी इंडिया की है, गौर से सुनिएगा मेरी बात को, वो कंपनी इंडिया की है दुबई में, उनके वर्कर हैं बहुत सारे, समझ गए बात को, उनका फ्लाइट में नंबर नहीं आ रहा था, उन्होंने स्पेशल परमिशन इंडियन एम्बेसी से ली, ठीक है, उन्होंने परमिशन मिल गई, वो अपने वर्करों को इंडिया लेके आई। तो वो तो अलग मैटर है, वो तो कंपनियों का मैटर है, ये यहाँ तक ठीक है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इसको दूसरे तरीके से पेश किया जा रहा, कैसे, कि ये जो एजेंट लोग हैं जो रिक्रूटमेंट का काम करते हैं, लड़कों को जॉब लगवाते हैं या फिर टिकट बनाते हैं, वीज़ा बनाते हैं, वो इस सिस्टम में इन्वॉल्व हो गए, ये मेरे को समझ में नहीं आया। वो ये लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास फ्लाइट है, चार्जेड फ्लाइट है, हमारे 150 अगर आदमी हो जाते हो तो हम आपको इंडिया पहुँचा देंगे। अब इसमें काफ़ी सारे लोगों ने पॉजिटिव मुझे आंसर दिए कि हाँ सर सही बात है, चार्जेड फ्लाइट स्टार्ट हो रही हैं। ये देखो एक लड़के ने बोला, ये देखो मेरा दोस्त का है, वो इंडिया पहुंच गया। अब वो कैसे पहुंचा उसने नहीं बता पाया, बोला सर ये फंडा क्या है मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन ये सोचने की बात है कि ये हो कैसे रहा है, आप थोड़ा गौर करिए कि जब ये सिस्टम चल रहा है तो गवर्नमेंट सीधा फ्लाइटों को क्यों नहीं बोल देती कि आप लेके आओ, फिर सिस्टम खुलना चाहिए। ये क्या है यार, प्राइवेट फ्लाइटों का मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई। मैं अभी भी इस बात से सहमत नहीं हूँ, 100% ठगी के शिकार हो सकते हो, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। कैसे हो गए, दुबई में पिछली बार एक मॉल के नाम से 15-20 लोगों से 1,000 दरम एडवांस ले लिया गया, ठीक है, बोला आप पैसा जमा कराओ, 15 ऑफर लेटर दे दिए, 15 दिन बाद में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। वो उन्होंने वो ऑफिस थोड़े टाइम के लिए किराए लिया, सिस्टम ऑफिस बंद और फरार भाग गए। 1,000 दरम का मतलब इंडिया वहाँ 21 के भाव से करेंसी कन्वर्ट होती है, इंडिया की करेंसी दुबई में जाती है, तो 21,000 रुपये पर कैंडिडेट के गए। तो कहीं टिकट में भी आपके साथ हो गया तो भाई, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोगों ने नंबर भेजे, वो सब विदेशी नंबर है, इंडियन नंबर नहीं है। इंडियन आदमी यहाँ से ये बोले कि भाई मान लो राजस्थान में जयपुर से ऑफिस है या फिर दूसरे स्टेट से है, वो अगर बोलते हैं कि हाँ हम ये काम कर रहे हैं, तो मुझे ये बता दीजिए कि जब एजेंट प्राइवेट फ्लाइटों से आपको लाने लग गए तो गवर्नमेंट का काम क्या रह जाएगा, मुझे तो ये बता दीजिए। मुझे ये बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है कि कंपनियों का, मैं मान रहा हूँ आप मेरी बात को फिर समझ लीजिए, अगर कंपनी में 10,000 वर्कर हैं, कंपनी बंद होने के कगार पे है, वर्कर बैठे उनका नंबर नहीं आ रहा है, कंपनी ये उन लड़कों को उन बंदों को इंडिया पहुंचा सकती है, पाकिस्तान पहुंचा सकती है, वो दूसरी कंट्री पहुंचा सकती है, आई एम एग्री। लेकिन मैं बात सिर्फ एजेंटों की कर रहा हूं, ये बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी। अगर भाई आप पैसे दे रहे हो तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से, मैं इस बात से अभी भी एग्री नहीं हूं। आप समझ रहे हो, आप मुझे एक भी बंदे का अब तक ऐसा कोई मैसेज नहीं आया कि सर मैं चार्जेड फ्लाइट से प्राइवेट फ्लाइट से एजेंट के थ्रू इंडिया पहुंच गया,
ये सोचने की बात है। काफ़ी सारे ने लिंक भेजा, बोला हाँ सर ये देखो ये नेट पे आ रहा है, सरकार ने भी मंजूरी दिया। अरे तो सरकार ने मंजूरी किनको दी है वो देखिए आप, सरकार मंजूरी देती है लेकिन वो देखिए वो कंपनियों को उन्होंने मंजूरी दी है, जो अलग सिस्टम है, एजेंटों का अलग सिस्टम है। तो ये बस अपडेट साथियों मेरे पास जो माइंड में मेरे विचार थे मैंने शेयर कर दिए, क्योंकि इसके नाम से घपला होने वाला है 100%। वो इसलिए क्योंकि लोगों का नंबर नहीं आएगा, लोग फिर इनके झांसे में आएंगे, पैसे देंगे, पता लगेगा पैसे गए। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि वीडियो नए नए मिलते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।